हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले सुपर टेस्टी यम्मी एंड इजी मलाई प्रॉन करी। सो लेट्स स्टार्ट। पहले मैंने एक पैन में ऑयल लिया है, अभी हम उसमें श्रिम्प फ्राई करेंगे। एंड श्रिम्प को मैंने अच्छे से मैरिनेट किया है विद हल्दी, लेमन जूस एंड सॉल्ट। अब हम उसको अच्छे से फ्राई करेंगे टिल इट्स गोल्डन ब्राउन। एंड डू रिमेम्बर, आप उसको ज़्यादा फ्राई मत कीजिएगा, ज़्यादा फ्राई करने से हार्ड हो जाता है। बट हाँ, जब तक गोल्डन ब्राउन होता है फ्राई कीजिए। इट टेक्स हार्डली 7 to 10 minutes। अच्छे से फ्राई कीजिए ताकि उसका एक क्रिस्पी क्रंची टेक्सचर आ जाए। उसी सेम पैन में और 2 tablespoons ऑफ ऑयल लिया है और बे लीव्स जो है तेज पत्ता और हमारा इलायची एंड सिनेमन और थोड़ा सा ज़ीरा लेके उसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे लाइक फॉर 2 to 3 seconds। एंड फिर एक मीडियम प्याज को मैंने चॉप किया हुआ है, तो मैं अपने श्रिम्प की क्वांटिटी के हिसाब से ले रही हूँ। आप भी उसी क्वांटिटी के हिसाब से प्याज लें और उसे फ्राई करें। नाउ देखिए, फ्राई हो गया अच्छे से। अभी हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लेते हैं और उसको भी अच्छे से फ्राई करते हैं टिल द रॉ फ्रेग्रेंस गोज अवे। अभी हम उसमें ड्राई मसाला ऐड करेंगे, जो कि है कलर के लिए कश्मीरी रेड चिली पाउडर एंड कोरिएंडर पाउडर। एंड आप चाहे तो क्यूमिन ऐड कर सकते हैं। मुझे क्यूमिन इतना पसंद नहीं है नॉनवेज में, सो आई डू नॉट ऐड इट, सो आपकी मर्ज़ी। एंड थोड़ा सा हल्दी एंड उसको अच्छे से एक स्प्लैश ऑफ वाटर देके हम उसको अच्छे से फ्राई करेंगे। अभी देखिए, यहाँ पे हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है, कुछ जला नहीं है, उसका रॉ फ्रेग्रेंस चला गया है। नाउ आई एम एडिंग टोमेटो एंड ग्रीन चिली। आप ग्रीन चिली अपने, अगर आप तीखा खाते हैं तो ग्रीन चिली दीजिए, अदरवाइज इट्स फाइन। एंड मैंने सॉल्ट टू टेस्ट दिया है, बिकॉज अब ही अगर इस मोमेंट पे हम सॉल्ट ऐड करते हैं तो टोमेटो भी अच्छे से कुक हो जाता है। सो लेट्स फ्राई इट फॉर अनदर 2 minutes। अभी देखिए, टोमेटो अच्छे से ऑलमोस्ट कुक हो गया है, तो नाउ इट्स टाइम टू ऐड द श्रिम्प्स। श्रिम्प्स ऐड करेंगे। श्रिम्प को हमें वही सेम 5 minutes अराउंड हमें उसको अच्छे से फ्राई करना है ताकि उसके अंदर अच्छे से मसाले चले जाएं। अभी हम इसमें कोकोनट मिल्क ऐड कर सकते हैं, तो मैंने 2 tablespoons ऑफ कोकोनट मिल्क लिया है। तो अभी हम उसको ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स करके फ्राई करेंगे फॉर अनदर 2 to 3 minutes ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए। अभी देखिए, थोड़ा रनी हो गया है हमारा मसाला, तो हम उसको ड्राई करने, जब तक ड्राई होता है तब तक फ्राई कर लेंगे। नाउ यू कैन सी अच्छे से मिक्स हो गया है एंड ड्राई भी हो गया है। तो अभी हम इसमें हॉट वाटर देंगे सो दैट वो हमारा ग्रेवी भी बन जाएगा एंड अच्छे से वो पक भी जाएगा, रेस्ट ऑफ द मसाले जो भी हैं। तो हम उसको सिमर करने के लिए छोड़ देंगे। अभी मैंने 1/2 cup ऑफ वाटर लिया है, हॉट वाटर। डू ऐड हॉट वाटर, ठंडा पानी मत दीजिए, गर्म पानी हमेशा ऐड कीजिएगा ग्रेवी में। एंड मैंने थोड़ा सा चीनी लिया है फॉर द फ्लेवर। मुझे थोड़ा खट्टा, मीठा, तीखा ये सब पसंद है। अगर आपको चीनी नहीं पसंद आप स्किप कर सकते हैं। ना हम अभी उसको सिमर करते हैं, मैक्स टू मैक्स 10 minutes में हमारा करी बनके रेडी हो जाएगा। एंड आप इसको स्टीम्ड राइस के साथ ज़रूर सर्व करें, ये राइस के साथ बहुत यम्मी लगता है। अगर आप राइस नहीं खाते तो रोटी के साथ खा सकते हैं, बट आई रिकमेंड यू हैव इट विथ राइस। एंजॉय।